first image and wardrobe consultant who has developed sound business practice of using clothing as a marketing tool. Since 1993, Mr. Hamid has conducted over 1,000 training sessions on dressing etiquettes for top consulting firms, educational institutions, and corporate America. ऐसे मोटिवेटिंग लेक्चर होने चाहिए. ये बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि आपकी ड्रेसिंग पे कोई बात करे, आपकी लुक पे कोई बात करे. ऐसे हमारे बहुत फ्यूचर है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें लोगों के पास स्किल सेट तो होता है लेकिन वो अपनी ड्रेसिंग की वजह से अच्छे अपनी लुक की वजह से मार खा जाते हैं और दे नॉट गेट द जॉब. मैं यहाँ पर आलमोस्ट 2 साल से पढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर देखा किस तरह के कोई इवेंट पहले नहीं हुए, लेकिन आज का इवेंट हमारे लिए बहुत लर्नेबल था. हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा. हम नेक्स्ट अपने इंटरव्यूज़ के लिए भी यहाँ से बहुत कुछ हमने अडॉप्ट किया कि किस तरह की हम ड्रेसिंग करेंगे तो हम इंटरव्यूज़ में कामयाब हो सकते हैं. हमारा इम्पैक्ट ड्रेसिंग का कैसे लोगों पर जा, हमें बताया गया कि हमने किस तरह की पेयरिंग करनी है, हमने शूज़ किस तरह के पहने हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी लर्नेबल है हमारे लिए. इस तरह के इवेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट के लिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये हमें हेल्पफुल साबित हो रहे हैं. मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आज सीखी, जैसे कि मुझे आइडिया नहीं था कि किस कलर की कॉम्बिनेशन जो हैं ड्रेसिंग में करनी चाहिए, ख़ासतौर पर एग्जेक्टिव और प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. यहाँ से मैं चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स अक्सर अवकात होते रहें जिससे हमें फ्यूचर के लिए गाइडलाइन मिलती रहे, एंड इट्स वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर फ्यूचर गाइडलाइन.